પણ માવા પેન્ટ ના ભીડી એ ભીડી કા સબસે ફડા દાઈ રાયતાર જંગમ તલ્લાપુર સી ગુલ્લાગોત લગો સેવા જહાર ગયા તો ના અના માવા સગા સોયરા પેન્ટ ના યાયન કદી કંકાલી તાં તલ્લાપુર સી ગુલ્લાગોત લગો સેવા જહાર ગયા તો ના અના માવર પહેલો મુઠવાર માવર પહેલી બારી કુપાર લિંગોન ગોન તલ્લા કોર્સી કોન લગોત લગો સેવા જોહાર કે આતો ના માવા સગા સોયરા પે માવર સંભુ માદાવ અને માવા મુલા માદાવ યોકુન તલ્લા કોર્સી કોન લગોત લગો સેવા જોહાર કે આતો ના આવું યોકુન સે પરરો આ ફળા શક્તિ સર્વોચ્ચ શક્તિ ફળા પેન સુજોર પેન હજોર પેન સલેર ગાગે શક્તિ તુન નના સેવા જોહાર કે આતો ના અને તાના બાતે મંચ પર બચો ઉત્તોડ નાવર તમુલ યર સબકો નાના સેવા જોહાર કે આતો ના અને નાવ સેલા જો ઉત્તા નાવ છવા ભી હે પિજ્જા ખાન અવ સબકો નાના સેવા સેવા કે આતો ના નાવ મોહરા ઉત્તા નાવ સગા બિડાર સાયદ ઉંધી લાગ સે પર રો મંદા યો સબકો નાના સેવા જોહાર કે આતો ના નાવ યાયલ સુક્તિ નાવ બાબુલ સુક્તિ યે સબકો નાના સેવા જોહાર કે આતો ના લગોત લગોત સેવા જોહાર કે આતો બદ ભૂઈ દે મત ઉત્તોડી સપન સમસ્તે વાઈતા બચો જન કુન વાયો વાઈતા ગોંડી તને મળકી કા માઉ પેન ભીડિયાન માઉ પેન કો ગોંડી સમજે માઈતા હિન્દી ઇલ્લે હિન્દી હિન્દી ઇન્દે કે વાતા હિન્દી 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 અભી આઈ હે હમારે પેન નહી સમજતે જબ હમારે ઇનકો પેન ચડતા હે સિરહા કો વો ગોંડી બોલી બોલતા હે ગોંડી બોલી પુરાતન બોલી હે લેકિન યહાં બહોત સે લોગો કો શાયદ ગોંડી સમજ મે નહી આયેગી તો હિન્દી બોલના પડેગા મેં બીચ મેં ગોંડી બોલતી જાઉં જિસ ભૂમિ પર આપ બેઠે હૈ ઇસ વક્ત કોયલી કા ચાડગર કી यहाँ पर हमारे पेनों का पदार्पण हुआ ये यहाँ से गुजरे हैं हो सकता है जिस जगह आप बैठे हैं वहां पर कभी रायतार जंगो खड़ी हो या उस जगह से कली कंकाली गुजरी हो या उस जगह से हमारे शंभू गौरा गुजरे हैं या हो सकता है कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ हमारे सगा सोयरा पेन जो 750 गोत्रों में जिनको विभाजित किया गया वो वहां पे खेले हैं 33 पेन मुंदुर कोटी पेन वो हो ये भूमि इतनी पवित्र है इतनी पवित्र है कि इस भूमि में नंगे पैर चलिए और खुद का पैर इस भूमि में रखने के पहले अपना मस्तक रखिए इस भूमि के ऊपर इतना पवित्र है ये भूमि इतना पवित्र है जिस भूमि में हर चीज प्रकृति के साथ बदली होगी हो सकता है पेड़ उस समय के वृक्ष ना हो अभी नए वृक्ष हो गए हो उस समय जो चीज वो नहीं हो लेकिन ये जो मिट्टी है ये मिट्टी आज भी वही है वही मिट्टी है जिस मिट्टी से हमारे शंभू गौरा गुजरे जिस मिट्टी से हमारी कली कंकाली गुजरी जिस मिट्टी से हमारे रायतार जंगो चली है जो हमारे पेन शक्ति यहाँ से चली है ये वही मिट्टी है ये इतनी पावन और पवित्र मिट्टी है इसको मैं महसूस करती हूँ आप भी महसूस करें जब आप पुनेमी हो जाएंगे जब आप पुनेमी पुनेमी कैसे हो सकते हैं पुनेमी कैसे हो पाएंगे आपको पुनेमी नहीं होने दिया जा रहा पुनेमी यानी हिंदी में बोले तो गोंडी धर्मी आप कैसे हो पाएंगे जब आपके बीच में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं मुसलमानों का धार्मिक स्थल क्या है मक्का या कोई भी अभी यहाँ पे बड़ा मस्जिद होगा चाहे दिल्ली का मस्जिद हो जामा मस्जिद हो या भोपाल का मस्जिद हो जब वहां पर उन लोगों का कार्यक्रम होता है धार्मिक आयोजन या चारों धाम हिंदुओं के चार धाम है ना वहां पर जब धार्मिक आयोजन होता है या सिखों का गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर वहां का जब धार्मिक आयोजन होता है या ईसाइयों का कोई धार्मिक आयोजन होता है उनके धार्मिक स्थल पे कहां होता है धार्मिक आयोजन
धार्मिक स्थल जहां उनके पेन होंगे वहीं उनका वो आयोजन होगा। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध इनका जो पेन स्थल इनके जो देव स्थल में जब धार्मिक आयोजन या धार्मिक जत्रा या धार्मिक मेला लगता है तो वहां पर क्या राजनीतिक मंच बनता है? क्या उन जगह पे राजनीतिक मंच बनता है? यहां कैसे बना? ये हमारा पेन स्थल है यानी हमारा धार्मिक स्थल है। इस मंच से सिर्फ हमारे धर्म और संस्कृति की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं। राजनीति की बात करने के लिए पूरा भारत खुला पड़ा है आपके लिए। कहीं भी मंच बनाइए, राजनीति की बात कीजिए। आपके नेताओं का स्वागत करना है आपको, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का। आप कहीं भी मंच बनाइए, लेकिन ये मंच मेरी कली कंकाली का मंच है, मेरी रायतार जंगों का मंच है, मेरे लिंगो बाबा का मंच है। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो इस तरह का निर्णय लेते हैं? अगली बार अगर मीटिंग हो तो मुझे बुलाइए, मैं पूछना चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके धार्मिक स्थलों पर जब राजनीतिक मंच नहीं बनता तो हमारे वोटों के इसमें राजनीतिक मंच को बनाने वाला कौन है? वो नेता का यहां क्या काम, क्या काम है यहां नेता का इस मंच पे? यह हमारा पूजा स्थल है। यहाँ पर जितने बोर्ड आते हैं वो पूजा करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत उतारने आते हैं। सर्वधर्म संभाव, किसी ने बोला अभी उधर ऊपर बहस हुई थी, उन्होंने बोला था आप दूसरे धर्म की चीज यहाँ नहीं बेच सकते, तो उनको दुकान वाला सर्वधर्म संभाव की बात कर रहा था। सुन रहा होगा, यहाँ आया होगा। सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और मूलवासी गोंड, गोंड कहाँ है तुम्हारे चार भाइयों में? जिसकी भूमि में रह रहे हो, जिसकी भूमि में सांस ले रहे हो, जिस भूमि का पानी पी रहे हो, जिस भूमि से अनाज खा के जिंदा हो, उसको कैसे भूल रहे? कैसे भूल रहे हो उस आदिवासी को, उस गोंड को? किसको सर्वधर्म संभाव सिखा रहे हो? सर्वधर्म संभाव आपको सीखना की जरूरत है। अरे मेरे पुरखे सर्वधर्म संभाव को मानते थे, उन्होंने इजाजत दी तब भारत के सारे जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्मों ने भारत में शरण ली और आज भी पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। किसकी वजह से? मेरे पुरखों की वजह से। उन्होंने यहां उनको रहने की इजाजत दी, वरना आज कितना मारकाट मचा है दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों को वहां पनपने नहीं दिया जाता। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, गोंड सब धर्मों का सम्मान करता है। मैं उदाहरण दे सकती हूं आपको, गोंड मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, जब वो उधर पंजाब जाएगा तो वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाएगा, चार धाम जाएगा, हिंदू देवी देवताओं को सबको प्रणाम करेगा, सबका इज्जत करता है। आज तक कभी सुना कि गोंडों ने मस्जिद जला दी, मंदिर तोड़ दिया, स्वर्ण मंदिर में आग लगा दी, सुना नहीं? सुना क्यों? क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सारे धर्म क्या हमारा सम्मान करते हैं? हमारे प्रेम का सम्मान करते हैं? नहीं करते। इन पांच दिनों में जो हमारा पेनों का पूजा समय है, ये पांच दिन बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, पिकनिक के नाम से आते हैं। और आप लोगों से भी मुझे शिकायत है, गांव में भागवत हो रही हो, रामायण हो रही हो, तो घर से नंगे पैर निकलोगे, उपवास करोगे, 7 दिन तक मांसाहार नहीं करोगे, और तो और 7 दिन तक बहुत से लोग एक टाइम भोजन करते हैं, काहे के लिए? भागवत और रामायण। और जब यहां होगे तो जूता पहन के तुमको बड़े गुफा में घुसना है, जूता पहन के बड़े गुफा में घुसना है, जूता पहन के कंकाली में भी जाना है। क्या हो रहा है इसको? क्यों
जूता पहन के अपने माँ बाप के ऊपर चढ़ जाते हो? ये हमारे पुरखे हैं, दादा के 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 पहले के पुरखे। हमारे पैर आसमान से नहीं टपके, मटके से नहीं निकले, गोबर से नहीं निकले, मछली के पेट से नहीं निकले, खीर खा के पैदा नहीं हुए। हमारे पैर यहाँ पे वास्तव में थे। आज मैं वेन हूं, जिंदा हूं तो वेन हूं, आप भी वेन हैं, आप भी वेन हैं, मैं भी वेन हूं। कल को मैं मरूंगी, उसके बाद मेरा कुंडा मिलान होगा। क्या होगा? कुंडा मिलान, उसको छिंदवाड़ा में कहते हैं रोटी। ये तेरहवीं तेरहवीं क्या लगा रखा है? ये तेरहवीं शब्द छोड़िए, मुझे बहुत चिड़ छूटती है तेरहवीं शब्द से। तेरहवीं शब्द हमारे में नहीं है। कुंडा मिलान पेन कारण रोटी छिंदवाड़ा में, जिधर हिंदी बोलते हैं। आप मैं मरूंगी, मेरे मरने के बाद मेरी पेन कारण होगा, मेरा कुंडा मिलान होगा, माने मुझे पेनों में शामिल किया जाएगा, मुझे पेनों में शामिल किया हो जाएगा, यानी मैं पेन हो जाऊंगी। इसी तरह से लिंगो जंगो, रायतार जंगो, कलिकंकाली, ये जितने पेन हैं, इन्होंने देह त्यागा, उनका हमने कुंडा मिलान किया और उनको हमने पेन बनाया। हमारे पेन ऐसे हैं, चाहे भीमल पेन हो, उनका स्थान अभी भी है नागपुर में, ये सब इंसानी रूप में थे, इन्होंने इतने महान कार्य किए और उसके बाद इन्होंने देह त्याग किया, तो हम लोगों ने उनका कुंडा मिलान करके, पेन कारण करके उनको पेन बनाया। आसमान से नहीं टपके, ये हमारे पेन, ये हमारे पेन है, हमारे पुरखे ही हमारे पेन है, हमारे पुरखे ही हमारे पेन है। मेरे कितने हाथ हैं? चार, दस, कितने हाथ हैं? सर कितने हैं मेरे? तो हमारे पेनों के भी दो हाथ दो पैर एक सर ही होता है। ये चार हाथ छह हाथ दस हाथ आठ हाथ वालों को पूजना छोड़ो, ये हमारे पेन नहीं है। ये दस हाथ बारह हाथ वालों को पूजना छोड़ो, मैं हमेशा एक जयकारा लगवाती हूं, आज नहीं लगवाई, भूल हो गई, पेन सकती, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे जोर से, जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, जिसके मर्जी के बगैर हम अनाज नहीं बोते, जिसकी मर्जी के बगैर हम अनाज काटते नहीं है। बोना निरदू बोदल पेंता, बोदल पेंता, गोंडी बोली में बोदल पेन, हिंदी में भैंसासुर और संस्कृत में महिषासुर। कुछ कुछ याद आ रहा है? संस्कृत में महिषासुर। उपास तो नहीं करते कोई महिषासुर मर्दिनी का? हमारा पुरखा तो महिषासुर है, यहां भी है, यहां भी है। कल पेनों ने बताया यहां भी महिषासुर है। और दूसरे पेन कौन से? हमारे रावण पेन, रावण पेन था, रावण पेन था। अब राम मत बोलना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिया और संविधान का अनुच्छेद कहता है और विश्व संविधान यानी यूएनओ वो भी कह रहा है, क्या कहता है कि गॉड हिंदू नहीं है, गॉड हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। फिर क्या है? कई लोग कहते हैं फिर तो आप मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो तो मुसलमान हो। गोंड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है, गोंड सिर्फ गोंड है, करोड़ों साल के वासी, बाकी की जातियां बाकी के धर्म के लोग बाद में आए, हम करोड़ों साल के वासी, करोड़ों साल। जब अमरकंटक के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में हमारा सेमिनार चल रहा था, वहां पे भूवैज्ञानिक आए थे और उन्होंने बताया गंगा को प्रकट हुए 8 करोड़ साल हुए हैं, गंगा को प्रकट हुए 8 करोड़ साल प्रकट हुए हैं और नर्मदा को प्रकट हुए 35 करोड़ साल हुए हैं, 35 करोड़ साल हुए नर्मदा जी को प्रकट हुए। और हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है?
नर्मदा नर्मदा तल पैदा तोड़ो ममोट यो गोंडी सुमिरन ते मंदा बोर कुन गोंडी वाईता बोर कुन मालूम मंदा बोर कुन तो गोंडी सुमिरन ते मंदा मावा पैदा इस बेटा लाता और बेटा पुट तोड़ो नर्मदा तल गोंडों की उत्पत्ति नर्मदा से हुई है ये गोंडी सुमिरन में है वो गोंडी सुमिरन जो बहुत पुराने हैं लाखों साल पुराने समझती हूँ मैं उनको क्योंकि सुमिरन बनाना इतना आसान नहीं है उस समय जिन्होंने सुमिरन बनाया उनके मान से आज मैं बहुत ज्यादा शिक्षित हूँ आधुनिक शिक्षा के अनुसार मुझे गोंडी बोली भी आती है मुझे सुमिरन बना लेना चाहिए एक दो दर्जन सुमिरन तो मुझे बना ही लेना चाहिए था और मुझसे भी ज्यादा शिक्षित लाखों गुना शिक्षित कौन थे कंगाले जी पेनवासी मोतीराम कंगाले जी थे ना उन्होंने क्यों नहीं बनाया वो भी तो सुमिरन बना सकते थे पेनों के लिए ऐसा नहीं मैं सुमिरन बनाऊं पेन उसे स्वीकार करें ये जरूरी नहीं है इसीलिए मैं कहती हूं कि जितने भी गोंडी सुमिरन है हमारे वो लाखों साल पुराने वो लाखों साल इसीलिए मैं गोंडी सीखने के लिए कहती हूँ बच्चों तुम लोग गोंडी सीखिए और वो सुमिरन को देखिए कि उनमें क्या लिखा है हमारे कितने पेन है कौन कौन से पेन है वो सुमिरनों में हमारे कौन से पेन है ये बाहर से आए हुआ कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता क्योंकि इनको आए हुए आर्यों को आए हुए अभी 4000 साल हुए और हम 35 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे इंसान बनते बनते भी चलो एक दो करोड़ साल लगा भी होगा तो भी आप सोचिए कि 30 करोड़ साल पहले हमारे लोग थे इस भूमि में इसीलिए मूल बीज कहा जाता है हम लोग इस भूमि के मूल बीज है हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं इसीलिए तो अंग्रेज जाते जाते हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र थमा गए वो समझ गए थे उनके जाने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है जब शुरू हो चुकी है इसलिए जाति प्रमाण पत्र बना आपका जाति प्रमाण पत्र बना आपके पड़ोसी का नहीं बना क्यों क्योंकि आप मूल निवासी हैं वो नहीं इसीलिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिया गया और उनको नहीं अब जाति प्रमाण पत्र खत्म किया जा रहा है समाप्त किया जा रहा है बिल्कुल ताजा ताजा अभी का इंदौर के पास मऊ क्षेत्र में एक गांव में 45 गोंड परिवारों का जाति प्रमाण पत्र सरकार ने खत्म कर दिया 45 गोंड परिवार न्यूज़पेपर में आए थे आप व्हाट्सएप में देखे होंगे क्यों किया क्या जाति प्रमाण पत्र इसके पहले भी समाप्त हुआ जैसे राठवा गुजरात के इस तरह से करीब 4 जातियों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ लेकिन गोंड जाति में अभी जो 45 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ इंदौर के पास मऊ वहां से मऊ राव के बीच में गांव है वहां से तो क्या जाति प्रमाण पत्र समाप्त करने का निर्णय सरकार या कोर्ट एक दिन में लेती है क्या आपने जाके बोला कि इनका तो समाप्त कर दो उन्हें समाप्त कर दिया नहीं उस पर रिसर्च चलता है सालों तक उन पर नजर रखी जाती है और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि ये तो गोंड रहा ही नहीं इसका जाति प्रमाण पत्र समाप्त करो मैं राठवाओं के बारे में बताती हूँ जिनका जाति प्रमाण पत्र समाप्त हुआ तो क्या हुआ होता है कि पहले जो आपका छानबीन करने के लिए आते हैं जो लोग वो आए उन्होंने आपसे पूछा आपकी बोली क्या है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 13(3) और UNO का संविधान जो है विश्व संविधान वो कह रहा है कि अगर आप आदिवासी हैं आप गोंड हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए वो कह रहा है सुशीला धुर्वे नहीं कह रही सुशीला धुर्वे अपने तरफ से कुछ नहीं बोलती है और सुशीला धुर्वे जो भी बोलती है संविधान अंतर्गत बोलती है संविधान के अंतर्गत बोलती है जिस तरह से एक मुसलमान को अपनी जाति के लोगों से धर्म की बात करने का अधिकार है जैसे एक हिंदू को अपनी जाति के लोगों से धर्म की बात करने का अधिकार है जैसे एक ईसाई को अपने समाज से अपने धर्म के अपने संस्कृति की बात करने का अधिकार है वैसा ही मुझे मेरे समाज से मेरे धर्म और संस्कृति की बात करने का अधिकार मुझे संविधान दे रहा है कोई रोक नहीं सकता मुझे इसके लिए जो संविधान भारत में सबके लिए है वही संविधान मेरे लिए भी है तो क्या हुआ उन्होंने पूछा आपकी बोली क्या है हिंदी अच्छा आपकी बोली हिंदी है
अच्छा आप कौन से भगवान को मानते हो? जो सब मानते, राम कृष्ण, आर्य पुत्र राम, आर्य पुत्र लक्ष्मी, आर्य पुत्री दुर्गा, गणेश, कृष्ण। अच्छा कौन से ग्रंथ पढ़ते हो? रामायण, भागवत, गीता, चालीसा। फिर वो अंदर गए, उन्होंने भगवानों को देखा, सब वही भगवान मूर्तियां रखी हुई थी, घंटी रखी हुई थी। फिर उन्होंने पूछा कि आपके संस्कार कैसे होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार बताइए कैसे करते हैं आप? उन्होंने कहा कैसे करेंगे, पंडित जी करता है। अच्छा बच्चा पैदा होता है तो हम पंडित क्या दौड़ते हैं? वो बताता है कि कौन सी तारीख को कब कितने बज के कितने मिनट पे उसका नामकरण रखना है और क्या नाम रखना है ये भी पंडित तय करता है। शादी, शादी के लिए भी हम पंडित के पास जाते हैं, पंडित तय करता है कि किस लड़की का किस लड़के के साथ शादी होगी और किस तारीख को शादी होगी, कौन सा मुहूर्त वो निकाल के देता है, शुभ मुहूर्त ये पंडित निकाल के देता है। और मृत्यु पे, मृत्यु पे क्या, इधर दादाजी पिताजी मरते हैं तो हम पंडित के पास दौड़ते हैं, क्यों? अरे भाई वही तो बताएगा ना कितने बज के कितने मिनट पर लाश उठानी और जलानी है, पंडित बताएगा कि क्या करना है। उसके बाद क्या, फिर हम पूरे गाय बैल बेच करके, जमीन बेच करके उसका पिंड दान करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। 50,000-1,00,000 तो खर्चा आ ही जाता है पिंड दान। ये बैठे इधर पे यूपी के गोंड, ये पिंड दान नहीं करते, ये ब्राह्मण को अपने घर में घुसने नहीं देते। यूपी के गोंड पिंड दान नहीं करते, ब्राह्मण से कोई संस्कार नहीं करवाते, वो गोंड भूमिका बनवाए हैं अभी, गोंड भूमिकाओं से उनके संस्कार पूरे होते हैं। और ये कौन से गोंड है हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पिंड दान करने इलाहाबाद जा, किस तरह से बेवकूफ बनते हैं। ऐसा उनसे पूछा राऊ मऊ के गोंडों से, उन्होंने बताया भाई बोलिए ये तो हिंदू हो गया है, गोंड कहने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनको, चलो इनका जाति प्रमाण पत्र समाप्त करो। और 45 परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समाप्त हो गया। आपको आपका जाति प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना है तो अगर कभी इस तरह का कोई सर्च होता है आपके ऊपर, सीधे बोलिए हमारी बोली गोंडी है, गोंडी है। मुझे नहीं आती तो क्या, मैं दादाजी को तो आती है, सीख दूंगा मैं, मेरी नानी को आती, मेरी माँ को आती, मैं सीख लूंगा, लेकिन मेरी बोली गोंडी है। तुम्हारे पेन कौन से हैं? यहाँ कौन कौन सा पेन है? कली कंकाली, रायता अर्जंगो, भीमाल पेन, शंभू गौरा, शिव शंकर मत बोलना, शिव शंकर महादेव भोलेनाथ नीलकंठ, ये हमारे गोंडी सुमेलन में नहीं है, ये नाम कभी मत बोलना, ये सुमेलन में है ही नहीं। मेरा नाम सुशीला है, तो अगर आप सुशीला दीदी या सुशीला जो भी कहकर मेरे को बुलाओगे तो मैं पलट के देखूंगी, लेकिन मुझे आप दूसरे नाम से बुलाओगे तो मैं पलट कर नहीं देखूंगी। पेनों को उनके सही नाम से बुलाइए। ये आज का शीतला माता क्या लगा रखा है, खैरो दाई बोलिए, हमारी खैरो आया है जो गांव की सुरक्षा करती है, शीतला माता उसका नाम नहीं है, शीतला सब तो गोंडी बोली में है ही, हिल्लेटू मंदा बा, शीतला नाम मंदा गोंडी बोली थे, हिल्लेटू ये बतिया शीतला माता असली नाम से बुलाओ पेनो। भैंसासुर है तो भैंसासुर ही बुलाओ उसको, और हम भैंसासुर पूजा के गर्व कीजिए क्योंकि हमारी सुरक्षा करते हैं, यहां पर भी भैंसासुर है हमारे। तो अपने पेनों का सम्मान करना हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जूते पहन के घुसते हैं वहां पे, गुटखा खाते हुए घुसते हैं। पिछली बार मैंने 2-3 गुटखे वालों को भगाया था बड़े गुफा से। जब आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते बिना गुफा इसके गुटखा के, तो आपको कोई अधिकार नहीं पेन शक्तियों के पास जाने। जब आप रामायण भागवत के लिए अन्न छोड़ देते हो, अन्न भी छोड़ देंगे, जूता भी छोड़ देंगे,
और अपने खुद के पुरखा के पास आ रहे हो तो जूता पहन के आओगे। बहुत से लोग तो पी करके भी आते हैं, बिना पिए काम नहीं चलता क्या? और दारू के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे पेय शक्तियों के पास जाने की। होश आवास में जाइए अपने पुरखा के पास, अपने आजा बाबा, वो सब हमारे आजा बाबा हैं, हमारे आजा आजी काको अक्को आंदूंगाओ अपना मोहरहांड ते जरा अच्छा था दंड एयर फूल किसी को होश आवास ते का नशा ते धुत्ता सी को दंड की गुटका तित्ते के का लुट्टे के मैं छवा मैं सामने हूं मैं तो भांग के की मीवा छवा मैं सा मोहराई हूं वायरल लोटन लाटासी कूंद बातल लागा दुखाया ना। फिर माओ पुरखा लुत तोड़ और को ना सामने बहुत सवास्ते है दाना है ये चप्पल करसी करसी बोर सोड़ता तोड़ेगा जूता करसी का इच्छो इच्छो आसी सी थी दिमाग राधुनी इच्छो राधुनी का आसी सी थी का बिना चप्पल जूता था ताकि पर भी बातों कौन कर दे दिमाग इच्छो ना नाजुक आसी सी थी दिमाग बिना चप्पल था ताकि पर भी अधूरे पेन वाले स्थल थे। जब तुम ही अपने पेन पेनों का पेन पुरखाओं का अपने धर्म स्थलों का सम्मान नहीं करोगे तो दूसरों से क्या करवाओगे, दूसरों से कैसे करवाओगे? जब हम खुद अपने पेन पुरखा का सम्मान करेंगे तभी हम दूसरों को बोलेंगे ए यार जूता पहन के मत आना, ये मेरे आजा बाबा हैं, जूता पहन के नहीं आओगे, गुटखा खा के नहीं आओगे, दारू पी के नहीं आओगे, और ये चीजें अगर आपके पास में है तो बाहर ले। हम खुद सम्मान करेंगे। अब वो भागवत रामायण होता है या हिंदू मंदिर में तुम जाते हो दर्शन करने के लिए, वहां कोई डंडा लेके खड़ा रहता है क्या? कोई डंडा लेके खड़ा रहता है कि जूता उतार नहीं तो देता हूं दो डंडा? कोई खड़ा रहता है वहां? तो यहाँ के हम लोग तुम्हारे पीछे डंडा लेके दौड़े जूता उतार करके, अपने मन से थोड़ा सा दिमाग से समझ नहीं सकते कि हमको जूते चप्पल पहन के नहीं जाना है, हमको नशा पानी करके नहीं जाना है। ये हमारे पेन स्थल है। शंभू 88 हुए, 88 शंभू आतुर ना, थोड़ी सी मैं शंभू के बारे में बता करके, क्योंकि आजकल शिव संकट, और हाँ फड़ा पेन अलग है और शंभू अलग है, दोनों को एक मत करना, मिक्स नहीं करना दोनों। फड़ा पेन वो अलग है और शंभू, शंभू को बूढ़ा देव बोलते हैं, वो अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग। शंभू हुए, शंभू आतुरी का अरुरुम शंभू आतुर, अरुरुम शंभू आतुरी भूमि दे मावा गई इंसान गई, लेकिन फड़ा पेन आतु, फड़ा पेन आतु हिले आए, फड़ा पेन कभी पैदा आयो अदु प्रकृति ते मंदा, अदु प्रकृति ते मंदा, फड़ा पेन सोजर पेन हजर पेन, लेकिन शंभु आतुर 88 शंभु आतुर अपलो न समझे किसी दही लातुर 88 शंभु आतुर वोड़कुना नाम बती है पूरो 88 आतुर, लेकिन हर हर शंभु तुना मोट शंभु जिनको वो ना दूसरा नाम ही ले। ये जो शिव शंकर भोलेनाथ नीलकंठ महादेव यो मावा नाम आयो मावा आनु सिर्फ शंभू, इन एक शिवरात्रि भाई वाले हैं तानावर बतीना शंभू नरका शिवरात्रि ले शंभू नरका ईदिना 88 शंभू आतुर 88 में से वर्रु शंभू नीवा गोत्र तोड़ा बोना भी निया गोत्र तोड़ वरु संभु आतो निवा गोत्र तोड़ वरु संभु निया गोत्र तोड़ वरु निवा गोत्र, मतलब एक संभु आपके गोत्र का हुआ, एक संभु आपके दादा के 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 दादा एक संभु थे। आपका नाती जब ऐसा घूमेगा घूमता है तो आप दौड़ते हो कि नहीं उसको पकड़ने के लिए, कि नाती आपको लालच देता है कि मेरे को उठाओ नहीं तो मैं ऐसा दे दूंगा आपको, नहीं दादा अपने आप आता है। उसी तरह से जब 88 शंभु में से एक शंभु आपका है
आपका दादा परदादा पर 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 दादा है, तो उसके